hi everyone i am barun from All english today we will read the eighth chapter from the book first flight of class 10th cbac the name of the chapter is missville the otter it has been written by the gavin maxwell gavin maxwell was born on 15th july 1914 and died 7th september 1969 was a scottish naturalist and author बेस्ट नोन फॉर हिज नॉन फिक्शन राइटिंग एंड हिज़ वर्क विद वाटर ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इसके लिए काफ़ी फेमस थे तो उन्होंने एक बुक लिखा था ब्राइट वाटर 1960 में और फिर जो ये वाटर के साथ जो अपना एक बुक लिखा था ये जो हम लेने पढ़ने वाले हैं द ब्राइट वाटर ये आपको द रिंग ऑफ ब्राइट वाटर इसमें ऑर्टर की चर्चा उन्होंने किया था कि कैसे इराक़ से वो लाया और उसको स्कॉटलैंड में कैसे वो उसको पाला और फिर कैसे ग्रो किया तो काफ़ी फनी भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है पढ़ते हैं इसको कि गैविन मैक्सवेल लिव्स इन द कॉटेज ऑफ केमस फेरेना केमस फेरेना इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड इन फेरेना में वो रहते थे केमस फेरेना जहाँ पर कि पानी वगैरह थोड़ा सा चारों साइड से रहता है उसको हम कहते तो वहाँ पर वो रहते में वेन हीज डॉग जॉनी डाइट जब उसका जो डॉग था वो डाई हो गया मर गया मैक्स विल वॉस टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन काफ़ी इतना उदास था टू सैड टू की वो फिर से डॉग रखने के बारे में इतना उदास हो गया कि डॉग रखने के बारे में सोचने लगा बट द लाइफ विदाउट ए पे पैट वॉस लोली लेकिन जब पहले मर गया उसका डॉग तो सोच रहा था अब नहीं पालेंगे लेकिन कहता है कि पेट के बिना जो जीवन है वो बड़ा अकेला सा पड़ जाता है रीड वॉट हैपन देन इन मैक्सवेल ओन वर्ड्स और फिर पढ़ते हैं कि मैक्सवेल के अपने ही वर्ड में कि कैसे उन्होंने फिर एक पेट एनिमल तो पाला लेकिन आखिर वो कितना डिफरेंट था क्योंकि और इसमें फिर बाकी दिया गया है कि एनिमल को रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है फिर एक जगह की कल्चर इराक का कल्चर और लंदन के कल्चर के बारे में दिया गया है क्योंकि दोनों का जो जटमॉस्फेर है वो अलग अलग तो फिर हम पढ़ते हैं कि कैसे जो है ऑटर या मिस बी जिसका नाम था वो कैसे आया कैसे हुआ अर्ली इन न्यू अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 फिफ्टी सिक्स आई ट्रेवल टू सौधन इराक़ कह रहा है कि 1956 में अर्ली ईयर यानी कि शुरुआत नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के शुरुआत में ही वो सौधन इराक ट्रेवल किया घूमने गया बाई देन इट हैड क्रॉस माई माइंड दैट आई शुड कीप आई शुड लाइक टू कीप एन अनदर ऑटर इन स्टीड ऑफ अ डॉग और उनके क्रॉस माई माइंड का मतलब उसके माइंड में यह बात आया था कि उन, वो डॉग के बदले में ऑटर को पालेगा एंड दैट केमेस्टरेना रिंग बाय वॉटर और जो ये जो जगह करा कि वो कहाँ पर होगा एंड दैट केमेस्फेरेना रिंग बाय वॉटर अ स्टोन थ्रो फ्रॉम इथ स्टोर और उसके uh, अब यहाँ जो लेंगे कि रिंगड बाय वाटर स्टोन थ्रो स्टोन थ्रो का मतलब फ्रेज होता है कि बहुत नज़दीक था यानी जो कैशफराना जगह है एक तरह से वो वो वाटर से घिरा हुआ है तो एक तरह से उसका कह सकते हैं और वहाँ पर वो उसका जो घर है वो काफ़ी नज़दीक है उस ये जो जगह है तो वहाँ पर पालना इसलिए काफ़ी आसान होगा वुड बी इमीडियटली सुटेबल स्पॉट फॉर द एक्सपेरिमेंट यानी कि जहाँ पर वाटर होगा वहीं पर ये एनिमल एग्जिस्ट कर सकता है तो इसलिए सोचा कि वहाँ पर हम केमेस्टोराना में पालेंगे जो कि उसके गेट से काफ़ी नज़दीक था इसलिए कि यहाँ पर यह फ्रेज दिया कि वाटर थ्रोन द तो वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ये फ्रेज है वेन आई कैजुअली मेन्शन दिस टू अ फ्रेंड ही एज कैजुअली रिप्लाई दैट आई हैड बेटर गेट वन इन द टाइगरिस मार्शेस फॉर देयर दे वर एज कॉमन एज मॉस्किटोज तो जैसे मैंने अपने एक दोस्त के पास ये चर्चा किया कि मैं वाटर को पालूंगा तो वो भी कैजुअली रिप्लाई दिया कि फिर ऐसा करो कि टाइग्रिस मार्शेस चले जाओ अब टाइग्रिस रिवर है कहाँ पर इराक़ में खास करके जो इराक और इजिप्ट वगैरह इराक़ और बाकी जो उसके कंट्री है नज़दीक के उसका ये आ, से लगा हुआ ये रिवर है अ लॉन्ग रिवर इन द वेस्टर्न एशिया कहते हैं इसको अब मार्शेस क्या होता है ग्राउंड नियर द लेक रिवर तो कह रहा है कि ये जो अब तुमको मिलेगा कहाँ पर टाइग्रेस मार्सेस फॉर दे वो आर एज कॉमन एज मॉस्किटो यानी कि वहां पर ऑटर जो है इतना ही कॉमन है जितना मच्छर होता है एंड वो आर ऑफन टेम्ड बाई द अरब अरब के जो लोग अरबिन कंट्री के लोग है उसके द्वारा पाला जाता है वी आर गोइंग टू बसरा या बजरा भी कहते हैं उसको कौंसुलेट जनरल कौनसुलेट जनरल क्या होता है ऑफिस होता है जहां पर कि कौनसल काम करता है सो वी वर गोइंग टू बसरा टू कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट यानी बसरा में collect, जो था वो कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस था टू कलेक्ट एन आंसर फॉर आवर मेल फ्रॉम यूरोप और ये जो है अपना मेल लेने के लिए और जो यूरोप से आया है टू कलेक्ट एन आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप एट द कॉन्सुलेट जनरल वी फाउंड दैट माई फ्रेंड मेल हैड अराइव बट ना माइन हैड नॉट लेकिन कॉन्सुलेट जनरल में पता चला जो ऑफिस था तो हर देश का हर हर कंट्री का अलग अलग होता है जैसे इंडिया का भी कहीं पर हो हर कंट्री में होता है तो जो इंडियन एम्बेसी एक तरह से हम एम्बेसी कह सकते हैं तो अगर आई uh, मैं जो गया तो वहाँ पर uh, उसके दोस्त का तो मिल आया था मेल उसका नहीं आया था आई केबल टू इंग्लैंड फिर उसने केबल क्या केबल का मतलब है कि सेंड अ मैसेज तो उसने मैसेज इंग्लैंड सेंड किया थ्री डेज लेटर नथिंग हैड अपन तीन दिन तक कुछ भी नहीं तीन दिन के बाद भी कुछ नहीं आई ट्राई टू टेलीफोन मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की द कॉल हैड टू बी बुकड ट्वेंटी फोर आवर्स इन एडवांस और कॉल करने के लिए उस समय की बात है चौबीस घंटे पहले ही बुक करना पड़ता था ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर पहले दिन सर्विस ही ख़राब था ऑन द सेकेंड द एक्सचेंज वॉज क्लोज फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे दूसरे दिन था रिलीजियस हॉलीडे के लिए बंद था On डे देर वॉज अनदर ब्रेक डाउन और तीसरे दिन भी ये चीज़ खराब था माई फ्रेंड लेफ्ट एंड आई अरेंज टू meet हिम इन अ वीक्स टाइम और मेरा जो फ्रेंड है वो चला गया और मैंने सोचा कि फिर उसको एक सप्ताह सब, एक सप्ताह के बाद उससे मिलते हैं एक सप्ताह में उनसे मिल पाएंगे फाइव डेज लेटर माई मेल arrived. राइट पाँच दिन बाद मेरा में, जो मेल है वो आया आई कै रीड इट टू माई बेडरूम टू रीड और जब मैं वो मेल लेकर के आया अपने बेडरूम में पढ़ने के लिए एंड देयर स्कवाटिंग स्क्वाइटिंग ऑन द फ्लोर स्क्वाइटिंग का मतलब होता है इस तरह से बैठना वह टू अरब्स दो अरब यानी कि अरबियन लोग थे अरब्स के बिसाइड्स sack that स्क्रिम फ्रॉम टाइम टू टाइम और उसके बगल में क्या था कि एक बैग था और जो कि स्क्रिम का मतलब होता है ट्विस्ट एंड टर्न कि बार बार वो टाइम एंड टैन स्कूम होता था दे हैंडेड मी a नोट फ्रॉम माई फ्रेंड हियर इज योर order. और फिर उन्होंने एक लेटर दिया जिसमें लिखा हुआ था कि ये ये रहा आपका ऑर्डर। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक यानी उस सेक का मतलब बैग हुआ उस बैग को खोलने विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेक बिगेन अ फेज ऑफ माय लाइफ यानी कि वो जो बैग खुला वहीं से मेरे जीवन की एक, एक, एक फेज जो है थे अपने लाइफ का फेज जो है कि शुरुआत होती है एंड दैट हैज़ नॉट येट एंडेड और वो अभी भी नहीं हुआ है ख़त्म एंड मे फॉर ऑल आई नो नॉट बी एंड बिफोर आई डो और शायद वो ख़त्म भी नहीं होगा जब तक मैं इस चीज़ को जानूँगा इट इज़ इन फैक्ट अ थ्रैश डोम टू ऑटर अब यहाँ पर थ्रैश डोम का ओल्ड फैशंस बी अंडरकटो अब यहाँ पर ये मतलब हुआ कि इट इज़ इन फैक्ट अ थ्रैश फ्लैश डोम टू एन ऑटर यानी एक थ्रास्टोम होता है द स्टेट ऑफ बींग इन स्लेब्ररी और बॉन्ड्रीज यानी जब से उस ऑटर को खोला तो एक तरह से वो ऑटर में ही वो रह गया यानी अपने जीवन को उसी के हवाले कर दिया उसी को पालने पोसने में इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर अंडर कंट्रोल यानी कि अंडर कंट्रोल मतलब उस एनिमल को सर पालने पोसने में ही उसका लाइफ जो है वो रह गया तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है थरास्टोल टू ऑर्टर एंड यानी वेरी अटैचमेंटी अटैचमेंट हो गया एंड दैट आई हैव फेयर बाय मोस्ट पीपल जिसको मैंने बहुत सारे पीपल शेयर किया हु नेवर वन जो कि इस तरीके के पास इस तरह का जो है किसी के पास वो नहीं है द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम दिस शेक ऑन द स्पेसियस स्टाइल फ्लोर ऑफ द कॉन्सलेट बेडरूम रिजम्बल मोस्ट ऑफ अ वेरी स्मॉल मीडियवेली कंसीव्ड ड्रैगन यानि अब वो जो कह रहा है कि वो जो क्रिएचर था ऑटर जब वो स्पेसियस स्टाइल पे खो उसको निकाला गया रखा गया आइंसोलेट बेडरूम रिजम्बल मैंने कि किस तरह का लग रहा था कि पुराने जमाने में मीडियबल कंसीव्ड का मतलब हुआ कि पुराने जो मीडिएबल एज ऑफ टाइम की मीडियेबल टाइम में जो ड्रैगन हुआ करता था उसी टाइप का वो दिखता था रिजम्बल का मतलब होता है सिमिलर होना सो रिजम्बल मोस्ट ऑ वेरी स्मॉल मीडिएबल कंसीव्ड ड्रैगन फ्रॉम द हेड टू टिप ऑफ अब यानी कि उसके हेड से लेकर के टिप यानी कि उसका पूरा जो पार्ट है टॉल टेल यानी वहाँ से लेकर के जो आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर ये यह जो पिक्चर आपका बनाया गया यहाँ से ले तो यही क्या है कि फ्रॉम टेल ही वॉज कोटेड विद द सीमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ द मड आर्बर यानी कि उसके सर से लेकर के और नीचे तक कोटेड विद यानी कोट का मतलब एक तरह से डिज़ाइन बना हुआ था तो का मतलब क्या होता है सिमेट्रिकल जो होता है आप एक तरह से शेप होता है जो कि एक पार्ट उसका उठा हुआ सा रहता है तो कहते जैसे हम सिमेट्रिकल का मतलब एक जैसे एक पार्ट दूसरे पार्ट को एक सिमिलर के तरह नज़र आता है तो जैसे हम क्या उसमें स्क्वायर में पढ़ते हैं तो ही वॉज कोटेड विद अ सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ द मड आर्मर एक तरह से लग रहा था कि उसके जो पूरा बॉडी के ऊपर में है मड आर्मर समझते ही हैं जो कि आपके बॉडी के बच्चे बिटवीन हुस स्टिप और उसके बीच में वॉज अ विजिबल सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक और उसके बीच में जो था क्या था दिख रहा था कि वेल वेलवेट कलर फर था लाइक ऑफ चॉकलेट ब्राउन मोल लगता कि चॉकलेट कलर का ब्राउन मोल था ही सुख हिम सेल्फ और फिर वो अपने आप को जैसे एनिमल जो अपने आप को झाड़ता है तो ही सुख हिम सेल्फ एन आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लॉड ऑफ डस्ट अब हाफ एक्सपेक्टेड का मतलब होता है ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड यानी वो ऑलमोस्ट इस बात को एक्सपेक्ट कर रहा था कि कितना उससे डस्ट निकलेगा सो एन एन हाफ आई एक्सपेक्टेड अ क्लॉड ऑफ डस्ट बट इन फैक्ट फिर भी क्या बट इन फैक्ट इट वॉज फॉर अनदर मंथ दट इनफैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ यानी जो डस्ट था दूसरे मंथ में नहीं था दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द वर्ड एंड सी द ऑटर एज इट्स वर इन हिज ट्रू कलर यानी पहले जब वो अपने आप को झारा उसके बाद दूसरे मंथ में उस तरह से डस्ट uh, नहीं था तो अब जो ऑटर का ऑरिजिनल कलर है उसको नज़र आया अब ऑटर के बदले में ऑटर का नाम उसने क्या रखा था मिजबिल द मिस बिल आई कॉल द ऑटर यानी ऑर्टर को वो क्या कहता था मिस बिल वॉज इनफैक्ट ऑफ द रेस प्रीवियसली अनोन टू साइंस यानी कि साइंस यानी साइंस में इस ये जो रेस uh, है ये जो जिस रेस का ये एनिमल है वो पहले नहीं जाना जाता था रिसेंटली इसको जाना गया है द इनफैक्ट ऑफ द रेस प्रीवियसली अनोन टू द साइंस एंड वॉज एट लेंथ क्रिश्चियंस बाय जुलजिस्ट क्रिश्चंस का मतलब होता है कि कोई नाम देना जैसे यहाँ पर है ना कि नेम्ड सो एंड वॉज द लेंथ बाई क्रिश्चियंस बाय जूलॉजिस्ट लुटरोगेल्स पिर्सी पिट्रेलास पेटे मैक्सवेल यानी कि उसका एक नाम दिया गया था कुछ ये जो लुट्रोगेल मैक्सवेल तो और मैक्सवेल ऑर्डर और या फिर हम उसको कह सकते हैं कि वो मैक्सवेल का ऑटर था तो ये नाम दिया गया था पहले साइंस में नहीं पता था अब वो जो है जूलॉजिस्ट को उसको बारे में पता चला फॉर द फर्स्ट ट्वेंटी फोर आवर्स मिस विल वॉज ना हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली यानी कि जब वो लाया तो लगभग चौबीस घंटे तक ना तो वो ज़्यादा हॉस्टाइल था ना फ्रेंडली था ना किसी से उसकी ज़्यादा दोस्ती थी ना दुश्मनी टाइप से इस तरह से मतलब इनडिफरेंट था ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट अब इन अलूफ एंड डिफरेंट का मतलब अनफेमिलियर कीपिंग डिस्टेंस चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार एज माई बेड एज पॉसिबल यानी कि अपने आप को जहाँ तक उसके बेड का सवाल था तो उससे थोड़ा सा दूर वो अपना सोता था द सेकेंड नाइट मीज विल केम ऑन माई बेड इन द स्मॉल आस एंड रिमेन अ स्लीप इन द क्रुक ऑफ माई नीज अंटिल द सर्वेंट अबाउट टी इन द मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द डे ही बिगेन टू लूज हिज एपेथी एंड टेक अ कीन मच मच टू कीन इंटरेस्ट इन हिज अराउंड अब दूसरे रात क्या हुआ कि पहले रात तो ऐसे रहा कि दूसरे रात जैसा कहें बिजबिल जो था रात में वो आ गया स्मॉल आवर्स का मतलब है कि कुछ ही समय में वो जो है आ गया रिमेन अ स्लीप और फिर सोया रहा इन द क्रूक ऑफ इन अब क्रूक का मतलब है कि आपका पाँव या आपका हाथ जो टेढ़ा हो जाता है तो उसके बीच में आकर के वो सो गया माई नीस अनटिल सर्वेंट जब तक कि सर्वेंट सुबह में चाय लेकर के नहीं सर्वेंट बॉट टी इन द मॉर्निंग एंड ड्यूरिंग द डे और फिर दिन में क्या हुआ ही बिगेन टू लूज हिज एपैथी यानी लोगों से जो उसका एपैथी का मतलब क्या लोगों से अच्छा संबंध नहीं या लोगों से दूर होना तो ये जो एपैथी था सबसे चीज़ों से वो ख़त्म हो गया बिगेन टू लूज द एपैथी एंड टेक कीन और फिर क्या हुआ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया अपने सराउंडिंग यानी अपने चारों तरफ लोग से या जो भी चीज़ थी उससे आई मेड अ बॉडी बिल्ड फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू बाथरूम और फिर क्या करते थे कि हम उसको एक उसका बॉडी बेल्ट बनाए और फिर क्या करते थे उसको ले जा करके आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू बाथरूम और फिर क्या करते थे? उसको बाथरूम ले जाते थे ठीक वेर फॉर हाफ एन आवर्स ही वेंट वाइल्ड विद अ जॉय इन वॉटर क्योंकि वॉटर एनिमल है तो ये आधे घंटे तो काफ़ी इन्जॉय करता था वाटर में प्लंजिंग एंड रोलिंग इट अपने आप को प्लंज करना सडनली उछल कूद करना रोलिंग इन इट सूटिंग अप एंड डाउन इन द लेंथ ऑफ द बाथ वाटर है उसमें अपने आप को उछल कूद करके नहाना मेकिंग इनफ स्लोथ स्लोथ का मतलब होता है कि आवाज़ करना तो काफ़ी आवाज़ करना एंड स्प्लैश फॉर अ अपोज हिपो मतलब है, कि अपने जैसे पानी को ऐसे ऐसे उठाते करके करते हैं स्प्लैश करते हैं उस तरह से दिस वॉस टू लर्न इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर और ये जो देख करके मुझे पता चला कि ये जो है जो हिपो का जो वोटर वाटर है उसका कैरेक्टरिस्टिक आदत है एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट भी अब जो थोड़ा सा भी अगर पानी हो जाता तो उसके साथ काफ़ी इंजॉय करता सो टू स्पीक अब सो टू स्पीक का मतलब एज इफ वन कूड से दिस सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस अ बॉल मस्ट अ बॉल मस्ट एट वंस बी ओवर टर्न यानी कि जो बॉल होता है जिसमें उसको दिया जाता था उसको टर्न कर दिया जाता था और इट इज इट विल नॉट बी ओवर टर्न अगर इसको ओवर टर्न नहीं किया जाता पलटा नहीं जाता था बी सेट इन स्प्लास इन अनटिल इट ओवर था क्या करता उसमें बैठ जाता था और स्प्लॉश ये स्प्लैश दोनों एक ही होता है ख़ास करके यू के में स्प्लॉस पर आ जाता है आ, पुराने इंग्लिश में तो स्प्लास यानी स्प्लास करता था उसी को और फिर जब तक कि वो ओवर टर्न हो जाए वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स यानी कि वाटर को इस तरह से अगर उसके सामने रखा जाए तो सारी जो उसकी स्टाइल जो चेंजेज थे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक था देखने को मिलेगा वेन स्टेटिक इट इज अ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग जब वो शांत रहता था अब वेन स्टेटिक इट इज अ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग अब जब कि स्टैटिक का मतलब जब उसमें गति नहीं होती थी तो इट इज़ अ वेस्टेड बकवास और प्रोवोकिंग होता था तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वाटर था पानी उसके सामने हो तो सारा कलाकारी वो अपना दिखा सकता थे नेक्स्ट है टू डेज लेटर मिजबिल स्केप फ्रॉम माई बेडरूम दो दिन के बाद क्या हुआ कि उसके बेडरूम से जो है वो निकल गया आई एंटर इट मैं एज आई एंटर जैसे मैंने देखा एंड आई टर्न टू सी ही स्टिल डिसअपेयरिंग राउंड द बेंड टू द कॉर और फिर देखा कि उसका जो पूछ है वो धीरे धीरे करके बेंड करके कॉरिडोर से लेते हुए और वो कहाँ जा रहा था बाथरूम की तरफ बाय द टाइम आई गॉट देयर जब तक मैं पहुंचा ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथ वो क्या हुआ जो बाथट थे उसके ऊपर में चला गया एंड ऑफ द बाथ एंड दम्बलिंग एट द दम्बलिंग एट द दरिम्म द फम्बलिंग एट द कॉरिम्स टेप्स विद द हिस्स पाव और फम्बलिंग का मतलब ट्राई टू डू समथिंग यानी कि वाटर से कुछ न कुछ वो करने की जो टेप था उसको करने की अपने पाँव से यानी अपने चंगूर से कुछ करने की कोशिश किया आई वॉच्ड अमेज में देख करके बड़ा सरप्राइज हो गया इन द लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न द टेप फार इनफ टू प्रोड्यूस थिकल अफर्ड ज़्यादा समय नहीं लगा उसने क्या किया जो टेप था यानी नलका जो था उसको खोल दिया और उससे पानी निकलने लगा एंड आफ्टर अ मोमेंट और टू अचीव फुल फ्लो और दो ही तीन मिनट में जो उसको एन्जॉय करना था वाटर से इन्जॉय कर ले ही हैड बीन लकी टू टर्न द टेप द राइट अबे ऑन द लेटर ओकेजन यानी बाद में उसने सही समय पर उसको बंद कर दिया ही वुड समटाइम्स स्क्र्यू इट अप टिल टाइट कभी कभी तो वो इतना घुमा देता था उस नलके को चिटरिंग एंड इरीटेटिंग एंड डिसअपॉइंटिंग एट द टेप फेलियोर टू कॉपरेट कि अब इतना घुमा देता था कि समटाइम्स ही स्क्रू अप स्टिल यानी टाइटर काफ़ी घुमा देता था चिटरिंग का मतलब आवाज़ होना विद इरिटेशन यानी कि अब वो गुस्से से इरिटेशन से उसको घुमा देता था डिसपॉइंट uh, भी होता था ताकि टेप जो है जिस तरीके से चाहता था उस तरीके से फंक्शन नहीं होता था टेप्स फेल्योर टू कॉपरेट वेरी शून मिजी वुड फॉलो मी विदाउट अ लीड एंड कम टू मी वेन आई कॉल हिज नेम अब कहता है कि बिना लीड के यानी बिना कि वो जो एक बनाया था एक तरह से पट्टे तरह से उस तरह, कि बिना उसके लीड के वो उसको फॉलो करता था जब भी उसका नाम बुलाता था तो वो आ जाता ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज़ टाइम इन प्ले अक्सर जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलने में गुजारता था ही स्पेंट आवर शफलिंग अ रबर बॉल राउंड द रूम लाइक ए फोर फुट सॉकर प्लेयर जो है वो क्या करता था सफलिंग करता रहता रबर बॉल को जैसे कि फोर फुट सौकर लोग खेलता है यूजिंग ऑल हिज फोर फिट जो अपना जो है पूरा फोर फिट यूज़ करता रहता था टू डरेबल डेरेबल द बॉल अब डेरेबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मूव करवाना तो वो बॉल को मूव करवाता था एंड ही कुड ऑल्सो थ्रो इट और इसको फेंकता भी था विद अ पावरफुल फ्लिक ऑफ द नेक और अपने नेक से जोर से फेंकता भी था टू सरप्राइजिंग हाइट एंड डिस्टेंस ये सरप्राइजिंग हाइड काफ़ी ऊंचाई तक और डिस्टेंस बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज वन ही लाइज ऑन हिज बैक लेकिन सबसे जो शानदार उसका प्ले होता था जब वो अपने बैक की तरफ बैठा होता है एंड जगल विद ए स्मॉल ऑब्जेक्ट बिटवीन हिज पाओ और अपने पाँव पाँव मतलब वही जो चंगूर होता है चंगूर उस में जो चीज़ों को सफल करता जगल करता है जैसे मार्बल्स वर मिजीज़ फेवरेट टॉइस फॉर अ पास्ट टाइम जो मार्बल्स होता था वो पास्ट टाइम में उसका काफ़ी फेवरेट प्लेय था ही वुड लाई ऑन हिज बैक अपने बैग पर ले जाता है रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड और क्या कहता है उसको घुमाते रहता था ऊपर या नीचे फैट बेली विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर और बिना किसी एक भी मार्बल को नीचे नहीं गिरने देता था तो इस तरह का जो वो गेम था वो काफ़ी खेलते रहता था द डेज पासिस द डेज पासड पीसफुली एट ब्रजा या बारसा बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टि ट्रांसपोर्टि ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड अब दिन बीतते गया पीसफुली कि जहाँ पर वो वहाँ इराक़ में बसरा में आ, जो कौंसलेट जनरल था वहाँ पर लेकिन अब उसको ड्रेडेड का मतलब होता है ड्रेडेड ऑफ प्रोस्पेक्ट का मतलब कि डर कि अब कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करें जाए तो नरेटर के मन में ये डर था कि अब मिजी को जीज मिज है उसको इंग्लैंड कैसे लिया जाए एंड टू कैम्सो और फिर इंग्लैंड टू कैम्प इसको कैम्सो फेरेना स्कॉटलैंड में जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर द ब्रिटिश एयरलाइन द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल तो फिर जो ब्रिटिश एयरलाइन था वो एनिमल को फ्लाई नहीं करवाता सो बुक अ फ़्लाइट टू पैरिस तो इसलिए क्या किया उसने एक फ़्लाइट किया बुक पैरिस के लिए ऑन द अदर एयरलाइंस दूसरे एयरलाइन एंड फ्राम देअर टू लंदन और फिर वहाँ से लंदन के लिए द ए एयरलाइन इंस्टिट द एयरलाइन इंस्टिट दैट इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इन टू बॉक्स नॉट मोर देन एट इंच स्क्वायर तो जो एयरलाइन था उसने इंसिस्ट किया कि जो मिज है यानी जो ऑटर है उसको क्या किया जाना चाहिए जो एस एट स्क्वायर ज्यादा सर एच एट, एट इंच स्क्वायर का कोई बॉक्स होगा उसमें उसको फिट कर देना चाहिए टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट फीट एट माई फीट यानी अपने पाँव के नीचे में उसको कैरी कर लिया जाए आई हैड ए बॉक्स मेड तो फिर उनको बॉक्स बनाना पड़ा है एंड आवर बिफोर वी स्टार्टेड यानी कि एक घंटा पहले ही उसको क्या क्या नरेटर uh, को एक बॉक्स बनाना पड़ा और फिर uh, उसने क्या किया आई पुट मिस इन टू द बॉक्स और उसने बॉक्स में मिस को डाल दिया सो दैट ही वुड नॉट ही वुड बिकम अकस्टम टू इट ताकि उससे फैमिलियर हो जाए अकस्टम टू का मतलब कि किसी इन्वायरमेंट किसी चीज से रूबरू होना तो ही वुड बिकम अ कस्टम टू इट एंड लेफ्ट फॉर हरीर और मील और फिर वो क्या किया भोजन लाने के लिए चला गया वेन आई रिटर्न जब वो लौट करके आया देर वॉज अ अपॉलिंग स्पेक्टिकल्स पैलिंग का अपलिंग का मतलब अपॉलिंग भी कहते हैं अपॉलिंग मतलब बड़ा ही डरावना बड़ा ही विचित्र बड़ा ही भयावह कह सकते हैं शॉकिंग कह सकते हैं तो ये जो दृश्य था वो देख करके बरा देर वेर वॉज एन अपलिंग स्पेक्टिकल्स देर वॉज ए कम्प्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स यानी बॉक्स में उसको डाल दिया था तो वहाँ से साइलेंस हो रहा था बट फ्रॉम इट्स एयर होल लेकिन जहाँ से वो एयर निकल रहा था ए चिंक अराउंड द लिड अब चिंक का मतलब क्या होता है एक तरह से होल होना या फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्रैक होना तो एक क्रैक हो चुका था वहाँ पर चिंक अराउंड द लिड जो ढक्कन था ब्लड है उससे ब्लड निकला था और वो सूख चुका था आई वाइप ऑफ ऑफ द लॉक जल्दी से मैंने उस लॉक को खोला एंड टोर ओपन द लिड और जो उसको जो लिड था ढक्कन था उसको हटाया एंड द मीज एग्जॉस्टेड अब वो काफ़ी परेशान हो चुका था एंड द ब्लड स्पैटेड जो ब्लड था वो काफ़ी फे स्पैट का मतलब एक तरह से वो बन जाना एक तरह से जो ढाबा टाइप से बन है स्पैटेड वम्पर अब विम्पर का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ क्विकली जो है वो चीज़ तो वम्पर काफ़ी वो आ, सीरियस आ, विम्पर आ, जो वो वो क्या कहते हैं जब कोई थक जाता है तो जो आवाज़ निकलती रहती है तो इस तरह से वम्पर हो रहा था वो खास करके एनिमल जो होता है उसको कहते हैं तो स्पैटेड वम्पर इन कॉट माई लेग फिर उसका जो है लेग में पकड़ लिया वो ही हैड टोन द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स टू द शेड तो फिर नरेटर ने क्या लाइनिंग क्या होता है मटेरियल और सब्सटेंस और शेड का मतलब कट एज यानी ऊपर वाला जो पार्ट था उसका बॉक्स का उसको, उसको उसने हटा दिया लाइनिंग ऑफ द बॉक्स ऑफ द शेड व्हेन आई रिमूव्ड जब उसने रिमूवड कर दिया द लास्ट ऑफ इट सो दैट देर वाज नो कटिंग एज ताकि कोई भी कटिंग एज ना बने की कोई भी ऐसा एज uh, ना बने जिससे कि कट हो जाए लेफ्ट इट वॉज जस्ट टेन मिनट अनटिल द टाइम ऑफ द फ्लैट लगभग बाद दस मिनट बच चुके थे एंड द एयरपोर्ट वॉज फाइव फाइव माइल्स डिस्टेंस और एयरपोर्ट पाँच मील दूर था आई पुट द मिजरेबल बिज बैक इंटू द बॉक्स और मैंने क्या किया जो मिजरेबल मैंने जो जो दैनीय मिज था उसको उस बॉक्स में डाल करके होल्डिंग ऑन द लीड टू विद माई है और उसका जो ढक्कन था अपने हाथ में ले करके चल दिया आई सेट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बी साइड और फिर मैंने कार में बैठा और बॉक्स पीछे था मी एज अ ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट ऑफ बादशास और फिर जो है स्पीड से निकलता है वर्षा के गलियों से निकलते लाइक ए रिकॉर्चिंग बुलेट जैसे रिकॉर्चिंग बुलेट का मतलब जो बुलेट एक चेंज करता है डायरेक्शन द एयरक्राफ्ट वॉर वेटिंग टू टेक ऑफ यानी इंतजार कर रहा था एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इन्फ्यटेड ऑफिशल्स मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा बाई द इन्फ्य बड़ा ही एंग्री था जो उसके ऑफिशल्स थे लकली द सीट बुकड फॉर मी वॉज एट एक्सट्रीम फ्रंट लेकिन भाग्यपूर्ण ये था कि अच्छा ये थी जो सीट बुक किया गया था वो सबसे आगे था आई कवर द फ्लोर अराउंड माई फीट विद अवज़ पेपर तो उसने क्या किया जो फ्लोर था उसके आगे में उसको न्यूज़ पेपर से कवर किया रेंक फॉर ए एयर होस्टेस और फिर एयर होस्टेस को बुलाने की कोशिश किया एंड गेव हर अ पार्सल टू फिश टू कीप इन दूल प्लेस और जो फिश लाया था जो मेजिक खाएगा उसको दे दिया किस को एयर होस्टेज को आई टुक हर इंटू माई कॉन्फिडेंस यानी उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश किया किस लिया किसको एयरहॉस्टेस को अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट आवर ताकि जो लास्ट आवर में वो लेट क्यों हुआ इसका कारण बताने आई हैव रिटेन द मोस्ट परफॉर्म एडमिनेशन फॉर दैट एयर होस्टेस और फिर जो एयर होस्टेस को मतलब एक तरह से एडमायर या उसको फिर जो है आई हैव रिटेन मोस्ट प्रोफॉर्न एडमिनेशन यानी एक तरह से uh, किसी से काम निकालने के लिए जब हम उसकी एडमायर करते हैं प्रशंसा करते हैं तो यही था कि आई हैव आई हैव रिटेन द मोस्ट प्रोफॉर्न एडमिनेशन फॉर दैट एयर होस्टेस उस एयर होस्टेस का शी वॉज वेरी क्वीन ऑफ आर काइंड और अब ये एडमिरेशन इसलिए भी था क्योंकि वो काफ़ी जेनरस थी यहाँ पर वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड का मतलब काफ़ी जेनरस शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रिफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी तो उसने सजेस्ट किया एरोज ने कि मैं जो अपना आ, पेट है उसको अपने नी यानी कि पीछे में रखूँ अपनी सीट के नीचे अपने ऑन माई नी सॉरी अपने नी पर रखूँ पेट ऑन माई नी एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेफ ऑफ़ माई ग्रेटिट्यूड फिर मैंने उसके हैंड को किस किया एक तरह से यह ग्रीटिंग होता बट नॉट नोइंग ऑटर्स लेकिन ऑटर्स को बट नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर फॉर वॉट वॉज फॉलो लेकिन ये नहीं जानता था कि और अनप्रिपेयर भी था कि आखिर उसके बाद ऑटर क्या करने वाला या क्या करेगा अब जो है मिस वॉट आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश जो मिस था वो अचानक से इन द फ्लैश का मतलब होता है तुरंत ही गायब जाए तो यानी ऑटर जो था वो बॉक्स से गायब हो गया ही डिसअपेयर एट द हाई स्पीड डॉन द एयरक्राफ्ट अचानक से वो निकल गया देर अ स्क्वाइक एंड श्रीक एंड अमेन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग ऑट रैट रैट अब जो है स्क्वाइक का मतलब ही आवाज़ होता है तो खास करके शॉर्ट क्रीम शॉर्ट कह सकते हैं तो uh, ये सॉरी शोकवाक होता है इसका इसका नील शोकवाक होता है तो देर वॉज शोकवाक इन आ जो एक uh, औरत थी वो खड़ी हो गई थी ऑन हिस सीट स्क्रीमिंग चिल्ला रही थी रैट रैट जो एक rat है एक रैट है रैट है आई कॉट साइट ऑफ मिजीज टिल डिसिंग बनीथ द लेंथ ऑफ फोर्टली वाइट टर्बन इंजन फिर मैंने देखा कि जो आई कॉट द साइट ऑफ मिस टेल डिस मैंने देखा कि जो उसका पूछ है वो थोड़ा सा उसको दिखाई दे रहा था जैसे कोई आगे बढ़ता एनिमल तो उसका पूछ बिनीथ द लेग्स ऑफ फोर्टली वाइट टर्बन एनिमल यानी कि एक फोर्टली uh, का मतलब होता है एक बूढ़ा सा जो एजेड इंसान होता है मोटा सा उसको ले कहते तो यहाँ पर उसने देखा कि एक जो इंडियन थे वो भी ट्रैवल कर रहा था उसके पाँव के बीच से जो है वो उसका टेल जो है सॉरी टेल गायब हो रहा था किसका मिस का यानी कि ऑटर्स का डाइविंग फॉर इट उसको पकड़ने को से आई मिस्ड बट फाउंड माई फेस कवर इन करी लेकिन अपने आप को पाया आप यहाँ पर कि बट फाउंड माई फेस कवर इन करी का मतलब काफ़ी ऑकवर्ड सा सिचुएसन परट द एयर होस्टेस एयर होस्टेस ने कहा विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल मरा हँसते हुए इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम योर सीट अच्छा होगा कि आप अपने सीट पर बैठ जाइए आई विल फाइंड द एनिमल्स एंड ब्रिंग इट टू यू मैं इसको फाइंड करके आपको दे देती हूँ आई रिटर्न टू माई सीट मैं अपने सीट पर लौट गए आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राइंग टू फॉलो द हंट वेन सडनली आई हर्ड फ्रॉम माई फीट अ डिस्ट्रेस चिटर ऑफ रिकोगोगेशन एंड द वेलकम कि जब मैं क्रेन का यहाँ पर मतलब कि जब आप पीछे घूर करके स्ट्रेच करके कोई चीज़ देखने की कोशिश करते उसको हम क्रैनिंग कहते तो आई वॉज क्रैनिंग माई नेक ट्राई टू फॉलो द हंट यानी कि हंट का मतलब यहाँ के कैसे वो पकड़ती है एयरस्टिस वैन सडनली अचानक से मैंने देखा आई हर्ड माई फीट अ डिस्ट्रेच चिटर यानी कि मेरे जो पाँव है उसमें डिस्ट्रे चिटर जिटर मतलब क्या एक आवाज़ होना ऑफ रिकोगश यानी किसका एंड वेलकम यानी जो ऑर्टर था वो लौट करके आ चुका था एंड मीज बाउंडेड ऑन माई नी और फिर वो मेरे के ऊपर आ गया एंड बिगेन टू मजल माई फेस एंड माई नीक और उसके जो मजल माई फेस और इसका कर, कि रब जेंटली किस तरह से जो एनिमल आपको करने की कोशिश करता है अपने नोज़ वगैरह से वही मिस एंड आई रिमेन मिस एंड आई रिमेन इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ लगभग एक मंथ तक मैं और जो मिस था वहाँ पर रहा ही वुड प्ले फॉर आवर्स विद द सेलेक्शन ऑफ टॉय और जो है काफ़ी सारा जो टॉयज थे उससे खेलता था पिंग पॉन पिंक पॉन्ग बॉल्स मार्बल रबल फ्रूट एंड दैरेपिन सेल्स टेरेपिन सेल्स जो क्या सेल्स है द सेल्स ऑफ द स्मॉल टर्टल्स फाउंड इन द नॉर्थ अमेरिका एंड आई ब्रॉड बैक फ्रॉम हिज एंड आई ब्रॉड बैक फ्रॉम हिस नेटिव प्लेस ये जो ट्रेस था जो कहाँ से लाया था उसके नेटिव प्लेस मार्सेस से लाया था विद अ पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन यानी पिंग पोंग बॉल जो होता है उससे क्या किया था कि वो अपने स्टाइल में एक अपना गेम क्रिएट किया था विच कुड कीप हिम इन जो उसको काफ़ी इनगोर्स का मतलब होता है आप किसी चीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट से लगे रहते हैं तो जो वो काफ़ी उसमें इन्वॉल्व रहता था कंप्लीटली इंटरेस्टेड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम अ सूट केस दैट आई हैड टेकन टू इराक जो एक सूट केस जो इराक ले गया टू इराक हैड बिकम डैमेज जो सूटकेस इराक ले गया था वो डैमेज हो चुका था ऑन द जर्नी होम जब वो लौट करके आ रहा था सो दैट द लिड जो उसका ऊपर वाला पार्ट था वेन क्लोज जब उसको बंद करते थे रिमेन एट द स्लोप फ्रॉम वन एंड टू अनदर यानी कि एक तरह से जो दूसरे तरफ वो स्लोप बना हुआ था मिस डिस्कवर दैट इट प्लेस मिज को अब एक चीज़ वो डिस्कवर किया कि उस सुटकेस के साथ खेलता था मिस डिस्कवर दैट इफ़ ही प्लेस द बॉल ऑन द हाई एंड यानी अगर हाई एंड पे उसने बॉल को प्लेस किया इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सुटकेस तो क्या करेगा सुटकेस से जो दूसरे लेंथ पे वो चला जाएगा एंड ही वुड डैश अराउंड द अदर एंड एम्बुश और फिर डैश का मतलब क्या हुआ मारना और एम्बुश का मतलब क्लिक करना तो वो क्या करता था दूसरे हैंड से जो है उसको जैसे वो पिच जो आ, जिस साइड से उठा रहा था उस साइड से तो ठीक है और जिस साइड से वो नहीं उठाता उस साइड से वो आ, मारता था उसको एम्बुश हिज अराइवल हाइड फ्रॉम इट वहाँ से छुपा कॉर्चिंग और कॉर्चिंग का मतलब कि झुक करके टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाई सरप्राइज़ फिर उसको ले लेता था इट एंड टोर ऑफ विद इट्स हाई एंड अन वंस मोर उसको पकड़ लेता था जैसे आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज हिम ऑन द लीड और फिर घर के बाहर मैं उसको एक्सरसाइज करवाता था एक तरह से वो पकड़ से हँसी से प्रिसाइसली एज इफ इट हैड बिन अ डॉग जैसे कि किसी डॉग को करवाते थे मिस क्विकली डेवलप सर्टेन कंपल्सिव हैबिट तुरंत कुछ ही दिनों में जो मिस जो है जो आदत होती है एक्सरसाइज की वो सीख गया था ऑन हिज वॉक इन द लंदन स्ट्रीट जैसे वो लौट लंदन स्ट्रीट में चलते रहता था इस तरीके से जैसे कुत्ते को लेकर के लोग जाता एक्सरसाइज करा ना उसी तरीके से लंदन स्ट्रीट लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रेन अब क्या क्या आदत पकड़ लिया था तो जैसे बच्चे क्या करते हैं स्कूल से लौटते समय जो कहानी किया करते थे तो वही लाइक द रिचुअल ऑफ चिल्ड्रंस हु ऑन द वे टू एंड फ्रॉम द स्कूल मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ द ईच पेविंग ब्लॉक ऐसे पाँव को खड़ा करके बच्चे नहीं करते इसी तरीके से मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग जो आयरन रेलिंग था बना हुआ उसको भी टच करता था और द पास द आउट साइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प स्टोर जो लैम्प पोस्ट होता था उसको भी टच करता था अपोजिट टू माई फ्लैट वो अ सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल और उसके सामने जो क्या था एक सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल था एलॉन्ग हु और उसके सामने में रेन अ लो वॉल टू फीट है और दो दो फीट का लंबा सा एक बॉल था ऑन हिज वे होम अपने घर आते समय बट नेवर ऑन हिज वे आउट लेकिन बाहर जाते हुए नहीं विज वी वुड टग मी टू द वॉल मुझे खींच करके वॉल तक ले जाता था टग मतलब द पुल करना होता जंप टू ऑन इट जंप ऑन टू इट और उस पर जंप करता था गेल द फुल लेंथ और गेल का मतलब कि रन फास्ट गेल द फुल लेंथ ऑफ अ थर्टी यार्ड्स और थर्टी याड्स को कूद जाता था एंड होपलेस डिस्ट्रेक्शन बोथ पीपल्स एंड स्टाफ और फिर क्या इस तरह के जो कारनामें करते थे तो लोगों का ध्यान जो है उसके तरफ आने की कर, करवाने की कोशिश की होपलेस डिट्रेक्शन बोथ फॉर पीपल एंड इन स्टाफ इट इज नॉट सपोज इन एनी वेस्ट अब क्या इट इज नॉट आई सपोज इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडन लंडर शुड नाट रिकोगनाइज एन ऑर्डर मुझे नहीं लगता है और मैं ये मानता हूँ कि जो एवरेज लंदनर है वो इसको रिकोगनाइज नहीं करे यानी कि वाटर के बारे में नहीं जानता बट द वैराइटी ऑफ गेसेस एज टू वट काइंड ऑफ एनिमल्स दिस माइट बी लेकिन जो बहुत सारे लोग थे लेकिन वेराइटी आप क्या यहाँ पर कि रोकन बट अ वेराइटी ऑफ गेसेस लेकिन बहुत सारे लोग गेस करते थे कि, कि किस तरह का एनिमल है बी कम एज टू सरप्राइज में जो इस चीज़ को वो ये उन लोगों के तरफ से आता था कुछ कुछ लोगों की तरफ से कि व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज टू सरप्राइज़ मी कि किस तरह का ये एनिमल है ऑटर बिलोंग्स टू कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल मस्टिलीनाज यानी एनिमल ऑटर जो है एक छोटे से एनिमल आ, का ग्रुप है उस ग्रुप से ये बिलोंग करता है जिसको कि मस्टेलिना कहते हैं शेयर बाय द बैडिस मंगूस विल्सज स्टोट Minx, others, इस तरह के एनिमल आई फेस अब ये उनको पता था कि इनको नरेटर को लेकिन लोगों को कुछ लोगों को ये पता नहीं था आई फेस कंटिन्यूस बराज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चन बराज कंजक्चरल क्वेश्चन का मतलब स्ट्रेंज सर स्टीम ऑफ क्वेश्चन फिल विद द गेसेज क्या ऑफ क्वेश्चन का मतलब कि ढेर सारा क्वेश्चन लोगों पूछा कि आखिर किस तरह का ये एनिमल है सो आई फेस अ कंटिन्यूस बराज ऑफ कंजक्चरल क्वेश्चन दैट स्प्रेड ऑल द मस्टलनास बट ऑटर यानी कि आखिर ये मस्टलिनार है लेकिन मैं तो समझता था कि ये ऑटर है मोर रैंडम गेसेज हिट ऑन अ बेबी सिल एन स्क्वायरल इज़ दैट अ वॉलरश अब वॉलरस भी एनिमल होता है मिस्टर्स रेड्यूस टू गिगल यानी कि अब उसको हंसी भी आता टू गिगल मैंने अब सरप्राइज भी होता था थोड़ा सा उसको हंसी भी रुक जाती आखिर किस तरह का क्योंकि लोग क्वेश्चन पूछते थे आउटसाइड अ डॉग सो आई हर अपो अब यानी आउटसाइड डॉग सो डॉग सो के जब जहाँ पर डॉग को रखा था वहाँ पर किसी ने उसको शायद हिपो कह दिया अ बीवर बीवर भी एक एनिमल होता है अ बीर कब्स अट कोई कुछ से कुछ उसको कहते रहता था वन अपरेंटली दैट हैड चेंज इट स्पॉट्स टू ब्रोनोस्टर अब ये भी एक एनिमल होता यानी कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ नाम से ऑटर को कहता था मीज़ वॉज एनीथिंग बट वाटर लेकिन उनका कहना था कि मीज़ जो है सिर्फ वाटर है वो एक अलग तरह का नाम बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर अभी लोग कुछ से कुछ पूछते रहते थे लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसको सरप्राइज लगा केम टू उसको फ्रॉम अ लेबर डिगिंग अ होल इन द स्टेट एक लेबर जो था वो होल कर रहा था यानी कि अपना जो गड्ढा गूंत खोद रहा था आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम वेन ही लेड हिज टूल यानी उससे मैं काफ़ी दूर था जब मैं काफ़ी दूर ही था जब उसने अपना, अपना उसने अपने टूल को नीचे रख दिया था पुट हीज़ हैंड्स ऑन हिज हिप अपने हिप अपने हैंड को रखते दिए बिगेन टू स्टेयर और घूर करके देखने लगा एज़ आई ड्रू ट्रू नियरर जैसे ही मैं उसके नज़दीक गया आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज़ इन एफ्रंट मैंने देखा उस मुझे काफ़ी सरप्राइज़ था और एफरंट एफ्रंट का मतलब एक तरह से आपको आ, कंडेम्ड करना मतलब कि आपसे हम सही वो नहीं है खुश नहीं है तक एक तरह से मजाक उड़ाने वाली बात रिमार्क एज एक्संस्ट इंटेंडेड तो वो काफ़ी सरप्राइज था एफरेंट था एज दो जैसे कि ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जो इस तरीके से वो सरप्राइज व्यक्त कर रहा था जैसे कि वह ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप मजाक कर सके आई केम अप्रेस टू हिम मैं उसके सामने सामने आया ही स्पैट पहले थूका ग्लेयर आप ग्लेयर का क्या मतलब घूर करके किसी चीज़ को देखना एंग्री वेक में एंड ग्रोल्ड आउट ग्रोल आउट का मतलब जब आप एंग्री होकर के आप कोई चीज बोलते हैं तो ग्रोल आउट हियर मिस्टर वट इज दैट वट इज दैट सपोज टू बी यानी ये क्या है और क्या ये आप कैरी कर रहे हैं तो इसीलिए कहा कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंज क्वेश्चन इससे पूछा गया है इस तरीके से ऑटर के बारे में ये कहानी थी लोगों ने बहुत सारा उसका नाम दिया कोई मंगूस कोई कुछ कोई कुछ लेकिन असल में उसका एक अलग नाम था ऑटर जो कि इराक़ में पा जाता इसी तरीके से ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है अगर इसमें कोई वर्ड कोई सेंटेंस समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख बता सकते हैं सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो